कृष्ण जन्माष्टमी मिठाई बना रही हूँ दूध से। नमस्कार फ्रेंड, इंडियन शेप में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं दूध से छेना बनाने। गैस को ऑन करते हैं, दूध हम चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। फ्रेंड, हमने मलाई से दूध निकाला हुआ है जिसका हम छेना फाड़ने जा रहे हैं, उसी से छेना का मिठाई बनाएंगे। फ्रेंड, हमने यहाँ विनेगर का या फिटकरी का किसी चीज का यूज नहीं किया है। ये दूध अपने से ही फट गया, देखो। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको छान लेंगे। दूध फट गया है, दूध को हम छान लेते हैं। फ्रेंड, छेना मेरा अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। आप चाहो तो इस पानी का भी यूज कर सकते हो, दाल में, आटा में। बहुत ही हेल्दी पानी है कढ़ी बनाने के लिए। हमने मलाई से घी भी निकाल लिया और पनीर भी निकाल, पानी का भी यूज कर सकते हो। बहुत आसानी तरीके से हमने मलाई से घी भी निकाला है। फ्रेंड, अब अगर आपके पास छननी ना हो तो आप कपड़े का भी यूज कर सकते हो छानने के लिए। इसका पानी सब निकाल लेंगे ऐसे दबा दबा के। फ्रेंड, इसको हम थाली में निकाल लेंगे, फिर अच्छे से इसको मैश करेंगे मल मल के। इसी तरह से रगड़ रगड़ के इसको हम सही करेंगे फ्रेंड, जब तक बाइंड ना बनने लगे इसमें। अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, ये एक दूसरे से ऐसे नहीं बनेगा, तो इसमें गांठे बन जाएंगी फ्रेंड छेने में। इसलिए ऐसे ऐसे करके इसको सेट करना है, ऐसे ऐसे करके इसको सेट करना है। फ्रेंड, में फ्रेंड इतना हम नमक डाल रहे हैं इसमें, इसको फिर मिलाएंगे। एक चुटकी डाल रहे हैं हम खाने वाला सोडा। फ्रेंड, इसको भी हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे घी, इससे मेरा छेना सॉफ्ट बने। ले गैस जला लेते हैं। एक कटोरी हमने चीनी लिया है तो डाल देते हैं। कटोरी से हम दो कटोरी का पानी का यूज करेंगे। जितना चीनी लेते हैं उसका दुगना पानी रहता है। इलायची पाउडर डाल देते हैं, कूटी हुई इलायची। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो या नहीं भी। बिल्कुल आटे जैसा इसका आप गोलियां हम बना लेते हैं, छोटी छोटी इसी तरह लगा लेंगे गोलियां इसकी। कुछ इसी तरह से पूरी को बोला बना लेंगे गोलियां हम। चासे में भी बन रही है, इसमें हम छेने को डाल देते हैं एक एक करके। ऐसा बर्तन लो कि जिसमें हमारे छेने डूब जाएं, इसको ढक करके हम पकाएंगे। फ्रेंड, मेरे छेने पक रहे हैं ऐसे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, मेरा रसगुल्ले बनके तैयार हो गए हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट फूले फूले। एक एक हम रसगुल्ले ऐसे लपेट लेंगे। फटे हुए दूध से रसगुल्ले बनाए हैं, इसी तरह गार्निश कर लेंगे इसको हम। हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।